वेलकम बैक टू माई चैनल। हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस एथिक्स। इसमें हम बिजनेस एथिक्स के मीनिंग करेंगे और साथ में कुछ इसकी थ्योरीज करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस और एथिक्स होता क्या है। बिजनेस का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी होता है बिजनेस। अब दूसरा हमारा एथिक्स, एथिक्स क्या होता है? प्रिंसिपल्स, जिसमें आता है डज और डोंट्स। क्या करना है? डूज और डोंट्स, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना, क्या हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होगा, क्या हमारे बिजनेस के लिए बुरा होगा। अब है फुल फ्लैज मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स। इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑफ मॉरल राइट और रॉन्ग दैट कंसंट्रेट्स ऑन मॉरल स्टैंडर्ड्स एज दे अप्लाई टू बिजनेस पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर। ये एक स्पेशलाइज्ड स्टडी है मॉरल राइट्स की और रॉन्ग्स की। क्या मॉरली हमारे जो हमारे हैं उसमें क्या सही है और क्या गलत है, ये मेनली कंसंट्रेट क्या कर सकता है? मॉरल स्टैंडर्ड में, जो कि हम अप्लाई करते हैं अपनी बिजनेस पॉलिसीज में, इंस्टीट्यूशंस में और बिहेवियर में। ये है थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब ये थ्योरीज जो है हमारे बिजनेस एथिक्स की, इसको हमने आगे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज कॉन्सिक्वेंशनल थ्योरी एंड सेकंड वन इज नॉन कॉन्सिक्वेंशनल थ्योरी। अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंशनल थ्योरी क्या होती है और नॉन कॉन्सिक्वेंशनल थ्योरी क्या होती है, और उनके आगे कौन कौन से पार्ट है, कितने पार्ट हैं, ये कैसे बनाएंगे, ये हम सबको जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हमारी थ्योरी थी कॉन्सिक्वेंशनल थ्योरी। अब कॉन्सिक्वेंशनल वर्ड है वो लिया गया है वर्ड कॉन्सिक्वेंस से, मतलब जिसका मतलब होता है एक्ट। अब एक्ट हमारा गुड है या बैड है? गुड है तो वो प्लस पॉइंट होगा, बैड है तो वो माइनस पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसकी छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। इट स्टेट्स दैट रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट। अब इसमें बताया गया है कि जो रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस हैं एक्ट के, जो डिटरमाइन किए गए हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे हैं। राइटनेस ऑफ एक्शन इज डिपेंड अपॉन गुड कॉन्सिक्वेंसेस। हमें काम आगे बढ़ाना है, ये सिर्फ डिपेंड करता है अगर हमारा रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो। दिस थ्योरी प्रोवाइड प्रायोरिटी ऑन गुड ओवर बैड। इसमें हम थोड़ी सी प्रायोरिटी देते हैं गुड को बैड के मुकाबले। अगर कोई काम अच्छा हो रहा है तो हम अपना एक्शन करेंगे, आगे काम बढ़ाएंगे। लेकिन अगर वो काम हमारा गलत हो गया, हमें लॉस हो गया, तो हम उस काम को आगे कतई नहीं बढ़ाएंगे। अब जो कॉन्सिक्वेंशनल थ्योरी है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इगोइज्म एंड सेकंड वन इज यूटिलिटेरियनिज्म। अब इगोइज्म और यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, हम इसको करेंगे। इसका मैं आपको छोटा छोटा सा मीनिंग बता दूंगी। अगर आपको ये स्लाइड भी पूरी अच्छे से इलैबोरेट की होनी चाहिए, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, तो मैं आपको ये सारे के सारे अलग अलग से अच्छे से एक्सप्लेन करके भी दे दूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें आप समझिए, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इगोइज्म। इगोइज्म का मतलब क्या होता है? ईगो से वर्ड बना है इगोइज्म। ईगो का मतलब होता है आई, मैं, ईगो का होता है, ठीक है। इगोइज्म का मतलब सेल्फलेसनेस, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ मोटिव, कुछ भी हो सकता है आगे, ठीक है। इसके आगे एक ही टाइप है सिर्फ, वह फिजियोलॉजिकल इगोइज्म। अब फिजियोलॉजिकल इगोइज्म क्या होती है? इसमें जो एवरी पर्सन है वो एक्ट करता है एज अ वे टू प्रमोट हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखता है, उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल इगोइज्म। सिर्फ अपने फायदे के लिए करेगा जो भी करेगा। अगर विजिट भी देगा तो अपने फायदे के लिए देगा। कोई भी एम्प्लॉय भी हायर करेगा तो वो अपने फायदे के लिए करेगा। सारा काम अपने फायदे के लिए करना होता है, फिजियोलॉजिकल इगोइज्म। इसकी सिर्फ एक ही टाइप आती है हमारे पास। अब सेकंड वन हमारी थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। ये कॉन्सिक्वेंशनल का ही सेकंड पार्ट है यूटिलिटेरियनिज्म। ये थ्योरी बेस होती है मेन, इसका मतलब इस थ्योरी बेस्ड करती है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के फायदे के लिए ये थ्योरी जो है वो बनाई गई है। और इस थ्योरी का जो फाउंडर है, जिसने ये थ्योरी दी है, उसका नाम है जर्मनी बेंथम। उसने ये थ्योरी की है। इसमें मेन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए थ्योरी बनाई है और इसको स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। पहला स्टैंडर्ड जो कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम सबको पता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सबको काम करते हैं। और सेकंड इसका होता है यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना और अच्छे से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में ना तो अंडर यूज हो ना ही ओवर यूज हो, जितना चाहिए सिर्फ उतना ही यूज हो, ठीक है। अब इस थ्योरी को भी आगे कुछ चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देखते हैं। पहला है बेंथम्स थ्योरी। ये थ्योरी जो डिपेंड करती है सब एक्शंस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एक्शन के ऊपर, कि जो भी हम ये मतलब ये कहते हैं कि हमें लार्जर प्लेजर एंड लोअर
पेंस मिले, हमें जो भी हमारा जो हमें प्लेजर है, जो हमें खुशी है वो ज्यादा मिले लेकिन हमें दर्द कम हो। इसका मतलब क्या होगा हमारे बिजनेस लैंग्वेज में, रिटर्न ज्यादा हो लेकिन रिस्क कम हो। अब ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ इसी को देख के लिया कि हमें ऐसी पॉलिसीज में हम अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे एथिक्स को फॉलो करेंगे जिससे कि हमारा फायदा ज्यादा से ज्यादा हो लेकिन नुकसान उतना ही कम हो, मतलब ना के बराबर हो नुकसान। जो सेकंड है थ्योरी वो है मिल्स यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। अब ये थ्योरी जो है दी है जेएस मिल ने। अब मिल उसका क्या है, सरनेम। जेएस मिल ने ये थ्योरी दी है, इसमें उसने बताया है कि ये बस थ्योरी इसीलिए कि हम दूसरों को खुशी दे सके, ये उसके लिए ऐसे एथिक्स को फॉलो करना कि जो दूसरे लोग हैं वो भी खुश हों। मतलब कि जैसे कि ये मेन बेस्ड करती है प्रिंसिपल ऑफ गिविंग हैप्पीनेस टू द ऑल अदर पर्सन, बाकी लोगों को खुश करना इस थ्योरी का मेन मोटिव है। नेक्स्ट है स्मिथ वैल्यू यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। ये थ्योरी मेनली डिपेंड करती है मेरिट्स और डीमेरिट्स में, एक्शन जो भी हम कर रहे हैं, जो भी काम स्टार्ट करेंगे उसका कितना नुकसान होगा, कितना फायदा हो जाएगा, ये सब कुछ पहले सोचना है कि हमारा स्मिथ थ्योरी का मेन मोटिव होता है। नेक्स्ट लास्ट थ्योरी हमारी जल्दन्स एंड थ्योरी। इसमें ये वो सिर्फ और सिर्फ लॉ को फॉलो करते हैं, लॉ के अलावा ये कुछ भी फॉलो नहीं करते। जो भी काम करना है इनको बस यही मोटिव होता है, सही है गलत है जो लॉ में लिखा है वो कर दो बस। इनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ लॉ को फॉलो करना होता है। ये थी हमारी कॉन्सिक्वेंशनल थ्योरी। और हमारी नेक्स्ट थ्योरी है नॉन कॉन्सिक्वेंशनल थ्योरी। जो हमारी सेकंड मेन थ्योरी थी वो थी नॉन कॉन्सिक्वेंशनल थ्योरी। अब नॉन कॉन्सिक्वेंशनल थ्योरी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के, ये वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग दो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्ट इज गुड। अगर हमारे जो भी एक्ट के रिजल्ट हैं वो अच्छे आ रहे हैं, बट सम एक्ट्स आर ऑलवेज रॉन्ग, पर कुछ एक्ट हमेशा गलत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ टेलिंग अ लाई इज रॉन्ग, इट रिमेन्स रॉन्ग इवन इट बीइंग हैप्पीनेस इन समवन्स लाइफ। अगर झूठ बोलना गलत है तो वो गलत है। इस थ्योरी का मतलब ये है अगर कोई चीज गलत है तो वो गलत है, चाहे वो झूठ से किसी का भला ही क्यों ना होता हो। कहते हैं वो झूठ झूठ नहीं होता जिससे कि किसी का भला हो रहा हो, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज से किसी का भला हो या ना हो, लेकिन अगर वो चीज गलत है तो वो गलत है। ये इस थ्योरी का मेन मोटिव है। अब जो नॉन कॉन्सिक्वेंशनल थ्योरी है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, ये तीन टाइप्स में डिवाइड की गई है। पहले है कैंस मोर्टेलिटी थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर कुछ राइट्स हैं। इस थ्योरी के अंदर पहला है फ्रीडम टू स्पीच। हमें फ्रीडम होनी चाहिए बोलने की, फ्रीडम टू कंसेंट, फ्रीडम टू प्राइवेसी, फ्रीडम टू कंसाइज। कंसाइज मतलब कि इट मींस मॉरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, क्या गलत है क्या नहीं गलत है, ये इसमें आ जाता है। तो ये थी कैंस की मोर्टेलिटी थ्योरी। सेकेंड है डिवाइन कमांड थ्योरी। डिवाइन कमांड थ्योरी में क्या है, ये थ्योरी जो है वो गॉड पे बेस्ड है, मतलब रिलीजन थ्योरी हम इसको कह सकते हैं। डिवाइन कमांड थ्योरी का सेकेंड नेम है रिलीजन थ्योरी, और ये बेस्ड होती है मिरेकल्स पे या फिर कमांड ऑफ गॉड पे। गॉड की क्या कमांड है, सारी की सारी ये थ्योरी उस पे बेस्ड होती है। ये मैं आपको इस थ्योरी के सिर्फ क्रक्स बता रही हूँ। अगर आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए ब्रॉड वे में, अगर आप इसको जानना चाहते हो, आपको एग्जाम में चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से सारी की सारी थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगी। और हमारी थर्ड एंड लास्ट थ्योरी है जो कि नॉन कॉन्सिक्वेंशनल की टाइप है, वो है वर्चुअल एथिक्स थ्योरी। ये थ्योरी हमें प्रोवाइड करती है लिव लाइफ वेल, गुड लाइफ और हैप्पीनेस, इन चीजों के बारे में हमें जो नॉलेज प्रोवाइड करती है ये थ्योरी। नॉलेज प्रोवाइड नॉलेज टू लिव लाइफ वेल, गुड लाइफ और हैप्पीनेस थ्योरी। ये थे हमारे बिजनेस एथिक और इसके कुछ टाइप्स थ्योरीज। थ्योरीज के आगे जो टाइप्स हैं वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको इसके जो आगे कॉन्सिक्वेंशनल और नॉन कॉन्सिक्वेंशनल थ्योरी के टाइप्स जो हैं उनके अंडर जो आते हैं, अगर वो आपको ब्रॉड वे में चाहिए हो, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए हो, अपने एग्जाम में उसको करना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके भी आपके लिए जल्दी से जल्दी ले आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और आगे से आगे शेयर करना मत भूलना। और अगर जो इसके टाइप्स मैंने ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किए हैं, अगर आपको वो ज़्यादा इलेबोरेटेड वे में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना, लिंक नहीं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब आप कर दीजिए। थैंक यू।